हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने पोको M6 एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप ऑटो आंसर सेटिंग को अपना इनेबल कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मोबाइल फ़ोन का कॉल लॉक ओपन करना है। ये जो कॉल लॉक होता है ना, इसमें आपको सबसे ऊपर ये सेटिंग का आइकन सेलेक्ट करना है। अब इसमें आपको नीचे आना है, यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिलता है ऑटो आंसर, इसे सेलेक्ट करना है। अब इस पेज में आपको ऑटो आंसर के सामने जो बटन है इसे टैप करके पहले चालू कर लेना है। इसके बाद आपको नीचे डिले ऑटो आंसर के सामने आपको टैप करना है, तो आपका जो है ना एक ये पेज आता है। इसमें तीन ऑप्शन है, 3 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड, तो आपको जो ऑप्शन सेलेक्ट करना है कर लीजिए। तो एग्जांपल के लिए मैं 10 सेकंड पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे 10 सेकंड लिखा हुआ आ चुका है। अब इसके बाद आपको नीचे हैंडसेट एंड ब्लूटूथ ऑनली पे सेलेक्ट कर लेना है इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए इस तरीके से आपकी ऑटो आंसर कॉल सेटिंग जो है इनेबल हो जाती है, लेकिन ये काम कैसे करेगी मैं आपको समझाता हूँ। देखिए आपके फ़ोन पर कभी भी इनकमिंग कॉल आएगा ना, तो आपके मोबाइल फ़ोन की जो इनकमिंग कॉल है आपको ग्रीन कलर का बटन दबाने की कोई ज़रूरत नहीं है। 10 सेकंड पूरे होते ही आपकी जो इनकमिंग कॉल होगी 10 सेकंड बाद जो है ऑटोमेटिक रिसीव हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये सेटिंग दोस्तों ऐसे काम करती है। मान लीजिए आपने अपने फ़ोन में ब्लूटूथ को कनेक्ट कर रखा है, तो भी आपकी जो कॉल होगी वो 10 सेकंड बाद ऑटोमेटिक रिसीव हो जाएगी, ठीक है।